हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, भारतीय दर्शन। आज हम बात करेंगे योग दर्शन में ईश्वर के स्वरूप पर। योग दर्शन में पतंजलि मुनि ने ईश्वर का लक्षण इस प्रकार बताया है, क्लेश कर्म विपाकाश्य परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। अर्थात क्लेश कर्म विपाक यानि कर्म फल और आशय यानि कर्म संस्कार से सर्वथा अस्पृष्ट यानि अप्रभावित रहने वाला पुरुष विशेष ईश्वर है। योग के अनुसार ईश्वर नित्य मुक्त है, वह नित्य एवं दिक् कालातीत है। ईश्वर में ज्ञान और ऐश्वर्य की पूर्णता है, वह गुरुओं का गुरु है। ईश्वर की सिद्धि ईश्वर प्राणिधान से होती है। ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है चित्त को भक्तिपूर्वक दृढ़ता से ईश्वर में लगाना। ईश्वर प्राणिधान समाधि प्रज्ञा तथा कैवल्य का सरलतम उपाय है। योग प्रतिपादित ईश्वर एक पुरुष विशेष है, वह जगत का कर्ता धर्ता संहार करता और नियंता नहीं है। साक्षात रूप में ईश्वर का प्रकृति से या पुरुष के बंधन और मोक्ष से कोई लेना देना नहीं है। उसका कार्य अपने भक्तों के समाधि पथ में आने वाले विघ्नों को दूर कर समाधि सिद्धि को संभव बना देना है। इस प्रकार योग दर्शन में जो ईश्वर है वो एक पुरुष विशेष है। ईश्वर की सिद्धि के लिए योग दर्शन में निम्न युक्तियाँ दी गई है। पहली है कि वेद उपनिषद आदि समस्त शास्त्र ईश्वर या परमात्मा को आदि सत्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। उसी का साक्षात्कार जीवन का चरम लक्ष्य माना गया है। अतः ईश्वर का अस्तित्व शास्त्र सम्मत होने के कारण सिद्ध है। दूसरी युक्ति है जिस वस्तु की न्यूनाधिक मात्रा रहती है उसकी एक अल्पतम और अधिकतम सीमा भी रहनी चाहिए। संसार में छोटे बड़े परिणाम देखने में आते हैं। सबसे अल्पतम परिमाण है अणु, सबसे अधिकतम परिमाण है आकाश। इस तरह ज्ञान और शक्ति की भी भिन्न भिन्न मात्राएं देखने में आती है, इसलिए उनकी भी एक सीमा होनी चाहिए। अर्थात एक ऐसा पुरुष होना चाहिए जिसमें सार्वजनिक ज्ञान और शक्ति हो, वही परम पुरुष ईश्वर है। ईश्वर के समान ज्ञान और शक्ति वाला दूसरा पुरुष नहीं हो सकता, क्योंकि वैसी अवस्था में उन दोनों में संघर्ष हो जाता है और जिसके फलस्वरूप जगत में अव्यवस्था हो जाती है। तीसरी युक्ति है पुरुष और प्रकृति के संयोग से संसार की सृष्टि होती है और दोनों के विच्छेद से प्रलय होता है। पुरुष और प्रकृति दो भिन्न भिन्न तत्व है, दोनों का संयोग या विभाग स्वभावतः नहीं हो सकता। उसके लिए एक ऐसे निमित्त कारण को मानना पड़ेगा जो अनंत बुद्धिमान हो और जीवों के अदृष्ट के अनुसार प्रकृति से पुरुष का संयोग या वियोग कराए। जीवात्मा या पुरुष स्वयं अपना अदृष्ट नहीं जानता, इसलिए एक ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा को मानना आवश्यक है जो जीवों के अदृष्ट के अनुसार
संसार की रचना या संहार कर पुरुष या प्रकृति का संयोग या वियोग कराता रहे। यही ईश्वर है जिसकी प्रेरणा के बिना प्रकृति जगत का उस रूप में विकास नहीं कर सकती जो जीवों की आत्मोन्नति तथा मुक्ति के लिए अनुकूल हो। पतंजलि का कहना है कि ईश्वर प्राणिधान भी समाधि का एक साधन है जिसके द्वारा मुक्ति मिल सकती है। बाद के लेखक और आगे बढ़ गए हैं, उनके विचार में ईश्वर प्राणिधान समाधि के लिए सर्वोत्कृष्ट साधन है। कारण यह है कि ईश्वर केवल ध्यान का ईश्वर प्राणिधान विषय ही नहीं प्रत्युत वह महाप्रभु है जो अपनी कृपा से उपासकों के पाप और दोष दूर कर उनके लिए योग का मार्ग सुगम बना देता है। जो ईश्वर का सच्चा उपासक है और उसी पर निर्भर रहता है वह सदा ईश्वर के ध्यान में लीन रहता है और संपूर्ण जगत में ईश्वर को व्याप्त दिखता है। ऐसे भक्त को परम पिता की सर्वोच्च विभूति हृदय की शुद्धता और बुद्धि का प्रकाश मिलता है। ईश्वर उनके पथ में क्लेश आदि सभी विघ्न बाधाओं को दूर कर देते हैं और योग सिद्धि के अनुकूल परिस्थिति बना देते हैं। इस तरह ईश्वर की दया से आश्चर्यजनक चमत्कार हो सकते हैं, परंतु हमें भी मैत्री करुणा सत्य सोच ईश्वर उपासना के द्वारा अपने को उनकी कृपा का पात्र बनाना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि योग का ईश्वर एक पुरुष विशेष है। धन्यवाद।